नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। एक्सीडेंट किस तरीके से हुआ, किस तरीके से सिग्नल में गड़बड़ी होने की संभावना है, आज के इस वीडियो पर हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन करूंगा, चैनल पर पहली बार पहुंच रहे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही आपका जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये बहुत अच्छी खबर है, वो समाप्त हो चुका है। जितने भी लोग थे, बहुत सारे लोग घायल हैं, इलाज चल रहा है, साथ ही उनका जीवन सुरक्षित रहे ये हम कामना करते हैं। और साथ ही जो मरने वालों की संख्या है वो बढ़ भी सकती है, क्योंकि कई लोग जनरल बुकिंग में सवार थे, उनका डेटा नहीं होता। चलिए आज के इस वीडियो पर हम सबसे पहले देखते हैं कि एक्सीडेंट किस तरीके से हुआ होगा और क्या कारण रहा होगा। जो स्टेशन हुआ, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बा नागा बाजार, ये रेलवे स्टेशन है, यही पर एक्सीडेंट हुआ है आपका। सबसे पहले अगर हम देखें तो आपको ये दो रेल मेन ट्रैक दिखाई दे रहा होगा, ये वाला और ये वाला, ये मेन ट्रैक है। देखिए बिल्कुल सीधा स्ट्रेट चल रहा है, स्ट्रेट चल रहा है यहाँ पर, ये पूरा स्ट्रेट लाइन, उसी तरीके से ये वाला स्ट्रेट लाइन, और ये एक रेलवे स्टेशन है। ये पैटर्न है रेलवे स्टेशन का, बहानगर बाजार किस तरीके से है ये मैं इस पर बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, एक जनरल पैटर्न बता रहा हूँ आपको। और उसी तरीके से जब मान लीजिए कोई ट्रेन आएगी, ये ट्रेन जो जा रही है ये चेन्नई की तरफ जा रही है, मैंने एरो बनाया है, और ये हावड़ा की तरफ आपकी ट्रेन, हावड़ा रूट है, और साथ ही ये जो रूट है ये चेन्नई है, तो चेन्नई की तरफ ये जा रही है। अब यहाँ पर जैसी अब चेन्नई मान लीजिए इस तरफ जा रही है चेन्नई की तरफ, तो इस तरफ होता है आपका होम सिग्नल। होम सिग्नल में तीन सिग्नल होते हैं, ग्रीन, रेड और साथ ही येलो। येलो दो तरीके के होते हैं। येलो एक तरीका ये होता है कि लेफ्ट साइड बत्ती जल जाती है, जिससे पता चल जाता है कि लूप लाइट का सिग्नल ऑन है, और अगर केवल पीला है तो मतलब गाड़ी आगे जाके रुकने वाली है, ये हो जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा था कि ग्रीन सिग्नल था, बिल्कुल ग्रीन सिग्नल था, मतलब यहां अगर ग्रीन सिग्नल है तो जो स्टेशन के अंदर जो सिग्नल मौजूद होता है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, वो भी ग्रीन सिग्नल होगा। बट ऑब्वियस बात है, ये भी ड्राइवर जानता है, भले उसको वो दिखाई ना दे रहा हो लेकिन वो भी ग्रीन होगा ही होगा। और उसके बाद जो लास्ट सिग्नल होता है, इसका मैं नाम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ जनरल आपको बता रहा हूँ। होम सिग्नल के बारे में जानिए कि होम सिग्नल मतलब घर पहुंचने से पहले या स्टेशन पहुंचने से पहले का सिग्नल। तो ये ग्रीन था तो ये भी ग्रीन होगा और ये भी ग्रीन होगा, मतलब ड्राइवर थ्रू सिग्नल उसको मिला हुआ है, और साथ ही 130 120 की स्पीड से वो चला सकता है, जो भी अलाउएबल स्पीड है। लेकिन हुआ क्या, लूप लाइन एक्चुअली जो पॉइंट है वो लूप लाइन ऑन था, मतलब मेन लाइन ना हो कि लूप लाइन में था। तो गाड़ी 130 बहुत ज्यादा स्पीड में थी, और यहाँ मालगाड़ी खड़ी हुई थी। तो मालगाड़ी जैसी खड़ी हुई थी, तो जैसी ट्रेन पहुंची कोरोमंडल एक्सप्रेस, ये उसके ऊपर चढ़ गई। इसके ऊपर जैसी चढ़ी, और आपका उसके बहुत सारे बोगीज इस ट्रैक पर भी आ गए, और इधर से एक और ट्रेन, एक और ग्रीन सिग्नल था, जो ट्रेन सिंपल निकल रही थी आपकी यशवंतपुर की तरफ, वो भी आपका, सॉरी ये हावड़ा की तरफ निकल रही थी, तो वो भी आपका शिकार हुई। हालांकि उसको ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है, बट इसको हुआ। तो ये सिग्नल में ही कुछ गड़बड़ होने की चांसेस है, कई वीडियो और कई आर्टिकल ये बता रहे हैं, ऐसी संभावना है, बाद में खुलासे से ही बात पता चलेगी क्या हुआ। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।